बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ट्राई करेंगे। ये जी मुतबक बनाने लगे हैं, ये अरबी डिश है। तो आप ये देखें इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको मैं बताने लगी हूँ। मैंने दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इस तरह टमाटर थे, इसको कट कर लेना है इसी तरह बारीक। इसी तरह थोड़ा सा धनिया लेना है, उसको भी कट कर लेना है। ये हमने ग्रीन प्याज लिया है, उसको भी कटिंग कर लेना है। इसी तरह हमें दो लेमन चाहिए, और ये मैंने एक पाव कीमा लिया है मटन का, ये उस और ये जी ऑयल की 3 चम्मच है बड़ी टेबलस्पून। ये एक अंडा है, ये हमने आधी टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च लिया है, ये मैंने लिया जी सूखा धनिया, और ये हमने डो जो है पहले ही गूंद दिया है। आप ये एक हमने एक एग को इसमें तोड़ कर डाल दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये बनाना कैसे है। हमने ये सारी चीज़ें मिला देनी है, अंडे में सारा कुछ डालते जाना है। इसी तरह ये कीमा भी ऐड कर दिया है। ये जी मैं धनिया भी डालने लगी हूँ। ये जो अंडा मैंने तोड़ कर रखा हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें जो है ऐड कर देनी है। दो अंडे यूज करने हैं, एक अंडा पहले डाल दिया है, एक अंडा बाद में डालेंगे। तो बहुत पतला बेलना अपने बेलने के साथ ताकि ज़्यादा अच्छा बनेंगे। ये देखें बिल्कुल बारीक बेला हुआ। अब इसमें फिलिंग करते हैं। सारी चीज़ें रेडी कर दें। आप कीमे को भी इस तरह ही अच्छी तरह बॉईल करके, मैंने आपको बताया था, प्याज अंदर डालकर उसको थोड़ा सा फ्राई पैन में भूनना है। उसके बाद इसी तरह आपने ये जो बताया सारी चीज़ें मिक्स कर, ये देखें जी हम ये बना रहे हैं इसी तरीके से। आप बनाएं हल्के फ्लेम पे, आपने इसी तरह हम बना रहे हैं। जैसे ही ये तैयार होता है तो फिर डिश आउट करते हैं, आपको फिर डिश आउट करके। आप रमज़ान ज़रूर बनाइएगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और भी बनाऊँगी मैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।